हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी जाके उठी हुई हूँ। मैंने आज से सोचा है मैं अब व्लॉगिंग शुरू करूँगी, तो ये मेरा पहला व्लॉग है, तो आई होप आपको वो अच्छा लगेगा। तो अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो मैं इस रूम में एक्सरसाइज कर रही हूँ क्योंकि ये रूम एकदम खाली है और बस यहाँ पे पूजा घर है, बाकी ये खाली है एकदम। और सामने है ये मिरर। सो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज। आप देख ही सक रहे हैं मेरा पसीना कितना ज़्यादा है। तो मेरी आज की जो एक्सरसाइज है वो पूरी हो गई है। तो मेरी वॉइस पता नहीं इतनी मोटी सी क्यों आ रही है, शायद सुबह सुबह इस वजह से। तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मैं एक साइड पनीर बनाऊँगी और एक साइड दाल बनाऊँगी और चपाती बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी खाना बनाना। ये मेरा पनीर बन के रेडी हो चुका है एकदम। ग्रेवी वाला बनाया क्योंकि चपाती के साथ खाना। मैंने चपाती भी पूरी बना दी है। यहाँ पे जो सामने दिख रहा है ये वाला, ये है हमारा पार्क, ये सोसाइटी का पार्क है। और आज मौसम भी ठीक है, बादल बादल है थोड़े बहुत। वैसे यहाँ पे ज़्यादा बारिश वगैरह कम ही होती है यहाँ पे, तो और जगह बहुत थी पर यहाँ पे ज़्यादा थी नहीं। तो ये मौसम है। और ये वाली जो है ये हमारी सोसाइटी है, ये अलग सोसाइटी है जिसमें मंदिर। मैं कल गई थी, मैंने जो मिनी व्लॉग डाला था उसमें आपने देखा होगा मंदिर, तो वो इस वाली सोसाइटी में था। कपड़े भी धो रही हो साथ ही साथ और ये पानी भरा है। यार दिक्कत ये है कि यहाँ पे कपड़े भी नहीं सूखते हैं। मशीन में भी सुखा लो उसके बाद बाहर डालो तो सूखते ही नहीं, पूरा दिन लग जाता है। ये कल धोए हुए थे मैंने, ये अभी तक नहीं सूखे हुए। मौसम ख़राब है तो शायद इस वजह से बहुत दिक्कत है। तो अभी मैं अभिषेक के लिए खाना निकालने जा रही हूँ। देखते हैं कि पनीर कैसा बना है, कैसा लगता है। पहले मैं खाना निकालती हूँ फिर मैं बाद में मिलती हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, वैसे अगर मैं नॉर्मल खुद को देखूं तो मतलब मेरा फेस ठीक है। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ और वीडियो मैं देख रही हूँ अभी ठीक लग रहा है, जैसे ही मैं बाद में वीडियो देखूंगी तो ये पता नहीं क्यों ऐसा टेढ़ा ऐसा हो जाता है। मैं बोर हो रही हूँ यार, अभिषेक भी सो रहे हैं और मैं पागलों की तरह इधर से उधर भटकती जा रही हूँ। अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, अभी जा रही हूँ तुलसी जी को पानी डालने। तो यहाँ पे मेरी तुलसी जी है, तुलसी माता। तो मैं यहाँ पे थोड़ा खलारा पड़ा हुआ है, कुछ कपड़े हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे कपड़े हैं जो मैंने सुखाए हुए थे, ये सब फाइल्स है अभिषेक की, तो ये सब करनी है अभी, ये भी सेटिंग करने वाला है। तो ये मेरा आया है आज नायका का पार्सल, देखने में तो एकदम खाली लग रहा है। इसको अनबॉक्स करके फिर आपको भी दिखाते हैं इसमें क्या आया है। मेरे बस में तो था नहीं इसको खोलना, तो अभिषेक ही इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा है। काफ़ी टाइम लगाने के बाद अब जाके खुला है। सो ये मैं नायका का लिपस्टिक मंगाई थी जो कि है न्यूड शेड में। उसका शेड पता नहीं कहाँ दिया होगा। तो ये मैं लिपस्टिक मंगाई थी और साथ में ये मंगाई थी मैं डॉट एंड की का क्रीम ब्लश। तो ये क्रीम ब्लश है। तो ये है मेरी फुल लुक, ये मैं लेके जा रही हूँ इसकी लीड क्योंकि मुझे चार्ज करना है। थोड़ी देर पहले अभिषेक गए थे किसी काम से, वो काम यहाँ पे नहीं हो पाया तो इसलिए सेक्टर 18 जाना पड़ेगा। तो वैसे तो ये खुद से ही जा रहे थे, वो तो ये बेल्ट जो है इनकी पेल्विस की बेल्ट है वो भूल गए थे, तो इनको मेरे को बुलाना पड़ा कि पेल्विस की जो वो बेल्ट थी वो दे दें।
तो फिर इनके मुंह से निकल गया कि सेक्टर 18 भी जा रहे हैं, तो मेरे बिना ही निकल रहे थे, तो मैं भी साथ जा रही हूँ। उधर देखो गाइस कितना मौसम खराब है एकदम। अभी हम गौर चौक के पास हैं। मेरे को कुछ भी अच्छा अच्छा दिखेगा मैं आप लोगों को भी दिखाते रहूँगी, कुछ मेरे को अच्छा सा दिख गया तो साथ में आप लोगों को भी दिखा दूँगी। ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है परथला ब्रिज, ये अभी नहीं हुई खुला, पहले इधर से जाते थे लोग, इधर से ये वाली साइड से, तो अपना काफ़ी जाम से बच जाते हैं लोग, ट्रैफिक जो रहता है कम से कम हाफ एन आवर आराम से बच जाता है। तो ये अभी खुला हुआ है कुछ टाइम पहले ही, ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक 1-2 महीना ही हुआ है। सही है, पहले से नीचे से जाते थे और इतना ट्रैफिक, वाह दिल्ली में भी इतने सारे पेड़ कम ही देखने को मिलते हैं। इस देखिए दोनों साइड से काफ़ी ग्रीनरी की हुई है, काफ़ी आगे तक, बहुत आगे तक किया हुआ है सब, हरा भरा अच्छा लगता है ऐसे ही हर जगह हो तो मज़े है। गाइस मैं अपनी लाइट लाना भूल गई, उससे रात में अच्छे से शूट होता है क्योंकि आते टाइम तो हमको रात होनी पक्का है, तो देखते हैं बाहर का ही आपको दिखाऊंगी मैं। बुकिंग के लिए विजिट करिए अपने नजदीकी मारुति शोरूम पर। चलते लागू ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन एम्पावरिंग लाइफ भारतीय विद्यापीठ ऑनलाइन एजुकेशन इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर बीबीए। ये देखिए ये अंकल क्या लहराते हुए जा रहे हैं, इसमें हुक्म का इक्का दिखा था। ये देखिए वो साइड में दिखाई नहीं गाइस। गाइस ये सेक्टर 18 का इंडिया गेट, ओ माय गॉड ऊपर से देखो जा रहा है सेक्टर 18 का ज्वेलर्स मार्केट है, ज्वेलर्स मार्केट है पूरा। लोशन देखी हो यहाँ का तुम? नहीं। तो मेरा सबसे पहला स्टोर था, नहीं देखी हो? चल झूठी, ये देखो फ्लावर लेके जा रही है, देखो दिखाता हूँ। अच्छा वो तो देखी हूँ मैं, पहला कौन सा? सबसे पहला स्टोर लाजपत वाला? नहीं जिसमें सबसे पहले आया था यहाँ पे, नहीं देखी। ये आगे कौन सा? तो आपको दिखाते हैं अभिषेक का पहला स्टोर जिसमें पहले वो मैनेजर होते थे। कहाँ मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ देखिए ब्लू स्टोन, ये देखिए यहाँ पे ब्लू स्टोन, ये यहाँ होता था पहले अभिषेक का स्टोर। ये सेक्टर 18 की मार्केट, तो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं, जो काम था वो हो गया है, हम जा रहे हैं वापस। ये देखिए गाइस ट्रैफिक, भर भर की ट्रैफिक, जिधर नजर उधर ट्रैफिक। अभिषेक को वो अपनी पुरानी यादें ताजा हो रही है और ऐसे भगा रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं। ये तो व्लॉग बनाते रहना पड़ेगा ताकि प्रूफ हो जाए ये चीज। इनका बस चले तो गाड़ी का एरोप्लेन बनाए, वाह आगे देखिए बिल्डिंग कितनी सही लग रही है, एकदम चमक रही है लाइट से। गाइस ये वाली बिल्डिंग देखो कितनी सही चमक रही है यार, एकदम सही है। यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है किसी जंगल में जा रहे हैं हम, है ना, एकदम सही घना घना जंगल लग रहा है। हाँ बट इसको बनने के बाद कितना ज्यादा है लाइक कंफर्टेबल फील। अभी तो एकदम लाइट वाइट सब जल चुकी है, एकदम मस्त लग रहा है। और अभिषेक सिंह की स्पीड भी बढ़ती जा रही है, देखिए तो जरा स्पीड बढ़ाई जा रहे हैं। और मैं गाइस जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आई थी ना, तो जो यहाँ का वेदर है एकदम ऐसा धुंध धुंध सा रहता है, तो शायद ये फॉग है या नहीं, फॉग तो नहीं पॉल्यूशन है ना। और मेरे को ये लगता था कि अरे यार यहाँ पे तो मौसम खराब ही रहता है क्या हर टाइम, फिर मेरे को पता चला कि ये मौसम खराब नहीं रहता, ये पॉल्यूशन है इतना। मैं तो ऐसे थी
देखो मौसम खराब है। ये जो दिख रहा है ये सामने जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सही लगता है, रॉयल जैसा लगता है ना ये चीज, जो एकदम रॉयल लगता है। और देखिए यहाँ पे पीछे बहुत ट्रैफिक था तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया, सही है गाइस। और क्या चाहिए, ट्रैफिक ना हो तो। देख रहे हो अभिषेक सिंह की स्पीड, सही लगता है। आपको मैं डायमंड दिखाऊंगी, सबसे बड़ा डायमंड आगे देखे जो एक डायमंड दिखाऊंगी गाइस, आपने इतना बड़ा डायमंड कभी देखा नहीं होगा। अभी यहाँ ट्रैफिक है, आगे जब थोड़ा पहुंचेगी तब मैं दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस डायमंड देख रहे हो, सबसे बड़ा डायमंड गाइस। ये हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे हम आते हैं फ्रूट्स वगैरह लेने। जो रोड दिख रही है ये वाली रोड, इसके इस साइड को फ्रूट्स की जो पूरी लाइन लगी रहती है, और जो उधर की साइड है यहाँ पे शॉप्स वगैरह डेली नीड की हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये हमारी सोसाइटी, इसका गेट मेन गेट वहाँ आगे से है, और इधर को भी है गेट इस साइड को भी, अगर आपको पैदल जाना है तो वहाँ से भी बाहर जा सकते हो। तो ये है यहाँ पे हमारी सोसाइटी का गेट, बट अभी हम अंदर नहीं जा रहे हैं, अभी हम चाप बैक कराने जा रहे हैं। यहाँ से होती है एंट्री इधर साइड। मेरे लिए आइसक्रीम लेके आने, फैमिली पैक। फैमिली पैक तो नहीं लाऊंगा ना तुम्हारे लिए। क्यों? वो तो उस दिन तुमने दिखा ही दिया है। गाइस मैं एक दिन आइसक्रीम खाने लगी, आई थिंक मैंने 200 ग्राम आइसक्रीम एक बार में खा ली थी। खाने लगी, खाते 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 कम से कम 200 ग्राम आइसक्रीम मैंने एक बार मतलब कि खाते खाते ख़त्म कर दी। तब से अभिषेक मेरे लिए आइसक्रीम ही नहीं लेके आते। गाइस अभी अभिषेक गए हैं बाहर कुछ खाने का लेके आने को, तो मैं यहाँ पे बोर हो रही हूँ तो सोचे। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस बनाऊँ, डेली वीडियोस बनाऊँ, व्लॉग्स बनाऊँ डेली, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, ताकि मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन आ जाए कि ओके मेरे को और ज़्यादा व्लॉग्स बनाने हैं। तो मैं ट्राई करूँगी मैं डेली बनाऊँ, पर डेली कुछ होता नहीं है बनाने को, तो कुछ भी अच्छा सा अगर मुझे लगेगा कुछ आप लोगों को भी दिखाने लायक तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं वैसे ही आगे बनाती रहूँगी, डेली डेली बनाऊँगी। अगर नहीं अच्छा रिस्पॉन्स मिला फिर भी बनाऊँगी। जैसे मैं आइसक्रीम नहीं लेके आए, फ्रूटी लेके आए, माजा और क्या लेके आए, ये क्या है इसमें, क्या क्या है इसमें, आप अफगानी चाप और दो रुमाली रोटी। चाप मेरे को नहीं अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगेगा, तुमने अफगानी चाप नहीं खाया। जो अच्छा लगता है वो तो लेके नहीं आते हो आप। मेरे लिए आइसक्रीम नहीं आ रही है गाइस, अब मैं एक एक चम्मच खाऊंगी डेली, तब तो लेके आओगे ना। यहाँ से मेन गेट से हम जा रहे हैं, यानी नीचे पार्किंग के लिए जाते हैं यहाँ से, तो हम गाड़ी को नीचे पार्क करेंगे पार्किंग में। तो गाइस हम पहुंच गए, यहाँ पे ना एक दिक्कत है, मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है so, let's go. मेरे पास है, अच्छा हो गया हो गया। सो गाइज मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, इसके बाद एडिट करनी है वीडियोस। सो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, आज तो पहला ही व्लॉग है, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो अब मिलते हैं कल हम कहीं जा रहे हैं, ये कल ही बताऊँगी मैं, आज नहीं बताऊँगी, कल वाले व्लॉग में आप देखोगे। सो बाय बाय।